एक लड़की जिसका कत्ल हो जाता है, पुलिस आती है, जांच करती है और उन्हें कत्ल वाले दिन ही कातिल का पता चल जाता है। पुलिस की एक टीम कातिल को पकड़ने के लिए उसके गांव चली जाती है, लेकिन अगले दिन पुलिस जिसे कातिल समझ रही थी उसकी लाश उसी घर के छत पर मिलती है जहाँ पहला कत्ल हुआ था। ये देखकर पुलिस की हालत खराब हो जाती है। आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, आप सभी लोग का स्वागत है अनुराग ट्रू क्राइम के इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी खुशहाल होंगे। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। ये कहानी आरुषि तलवार और हेमराज की है। इस वीडियो में हम आपको वो बातें बताएंगे जो मीडिया में नहीं बताया गया। नोएडा के जलवायु विहार स्थित फ्लैट नंबर L32 की डोरबेल 16 मई 2008 की सुबह बजी। नूपुर दरवाजा खोलने आई तो देखा कि घरेलू काम करने आई भारती ने डोरबेल बजाई थी। दरवाजा बाहर से बंद था। उसके बाद नूपुर तलवार ने भारती को छत से चाबी दी और वो अंदर आ गई। इसी दरवाजे को खोलने के लिए नूपुर को उस कमरे में भी जाना पड़ा जिसमें हेमराज रहता था। सुबह उस वक्त हेमराज वहां नहीं था। फिर भारती अंदर आ गई। नूपुर अंदर लौटी तो उसने आरुषि को उसके कमरे में मृत देखा। वह चीख पड़ी और उसने फौरन अपने पति राजेश और नौकरानी भारती को आवाज दी और कहा देखो हेमराज ने क्या किया, और रोने लगी। उसके बाद भारती ने आसपास के लोगों को खबर दी। राजेश तलवार ने सबसे पहले अपने भाई दिनेश तलवार और बाकी रिश्तेदारों को इसकी सूचना दी। घटना की जानकारी होने के 45 मिनट बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आई। नूपुर ने वही बात पुलिस वालों से कही कि मेरी बेटी को हेमराज मारकर भाग गया। पुलिस घटना स्थल को देखती है और उसके बाद पुलिस की एक टीम नेपाल हेमराज के गांव चली जाती है और फिर आरुषि के शव का पोस्टमार्टम होता है और उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या था ये आपको कहानी में आगे बताऊंगा। उसके बाद नूपुर और राजेश आरुषि की अस्थियों को लेकर हरिद्वार की ओर चले जाते हैं। उसी दिन एक पुराने पुलिस ऑफिसर जिनको छत की सीढ़ियों पर कुछ खून के निशान दिखाई देते हैं। उसके बाद वो कुछ और लोगों के साथ छत पर जाते हैं, लेकिन छत का दरवाजा बंद था। काफी मशक्कत के बाद छत का दरवाजा तोड़ा जाता है और वहां का मंजर देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। छत पर एक अजीब तरह की स्मेल आ रही थी और वही एक पुराने कूलर कवर के नीचे हेमराज की लाश पड़ी थी। यही से पूरे केस का रुख बदल जाता है, क्योंकि पुलिस अभी तक जिसे कातिल समझ रही थी वो खुद छत पर मुर्दा पड़ा था। उसके तुरंत बाद राजेश तलवार को फोन किया जाता है और उन्हें घर वापस आने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो अपनी बेटी की अस्थियों को लेकर हरिद्वार के लिए निकल चुके थे। वो करीब 100 किलोमीटर ही गए होंगे। फिर ये खबर मिली और वो वापस आए, लेकिन छत पर मिली लाश देखकर उन्होंने उसे पहचानने से मना कर दिया और उसके तुरंत बाद वो हरिद्वार के लिए निकल गए। हेमराज की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। यह एक हाई प्रोफाइल केस था। इस केस की जांच में सभी आला अफसर लगे थे और जांच के आधार पर 23 मई 2008 को राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। राजेश तलवार को गिरफ्तार क्यों किया गया उसकी कहानी बताता हूँ। पुलिस के अनुसार नोएडा के सेक्टर 25 के जलवायु विहार में जाने माने डेंटिस्ट राजेश तलवार रहते थे। 15 मई 2008 की रात करीब 11 बजे उनके लैपटॉप में वाईफाई की दिक्कत हुई तो वह अपनी 14 साल की बेटी आरुषि के कमरे में चले गए। वहां रखे कंप्यूटर को खोला और कुछ मेल करने लगे। आरुषि उस दौरान चेतन भगत की 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पढ़ रही थी। कुछ देर बाद राजेश अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद राजेश तलवार को आरुषि के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। वह अपने कमरे से बाहर निकले तो देखा आरुषि के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला है। झांक कर देखा तो आरुषि और हेमराज आपत्तिजनक हालत में थे। राजेश गुस्से से लाल हो गए, भागकर किचन के बगल में रखी गोल्फ स्टिक को उठा लाए, कमरे का दरवाजा तेजी से खोला और हेमराज के सिर पर बहुत तेज वार किया। हेमराज का सिर फट गया। राजेश ने गोल्फ स्टिक से दोबारा वार किया। इस बार हेमराज थोड़ा बगल हट गया। वार सीधे आरुषि के सिर में जाकर लगा। शायद वो आरुषि को नहीं मारना चाहते थे, लेकिन हेमराज ने अपना सर हटाया और स्टिक आरुषि को लग गया। इसके बाद दूसरे कमरे से नूपुर तलवार भी आ गई। राजेश ने पूरी बात नूपुर को बताई और फिर दोनों हेमराज की लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश में लग गए। राजेश और नूपुर तलवार हेमराज की लाश को लेकर छत पर गए। वहां हेमराज की लाश को एक किनारे रख दिया और उसके ऊपर कूलर का ढक्कन रख दिया। राजेश को लगा कहीं हेमराज बच न जाए, इसलिए वह नीचे से सर्जिकल ब्लेड लेकर गए और हेमराज की गर्दन की नस काट दी। नीचे आए तो आरुषि की गर्दन पर भी सर्जिकल ब्लेड से कट मार दिया। फिर नूपुर ने आरुषि के कपड़े बदले, उसके प्राइवेट पार्ट को साफ किया, रूम को अच्छी तरह से साफ किया। इसके बाद दोनों ने कपड़े बदले और गोल्फ स्टिक और सर्जिकल ब्लेड को फेंकने चले गए। वापस आए तो गेट में अंदर से ताला लगा दिया और सुबह होने का इंतजार करने लगे। हेमराज के अलावा भारती भी राजेश तलवार के घर पर नौकर थी। वह रात में घर चली जाती थी। 16 मई की सुबह वह 6 बजे आई, गेट बंद था। 3 से 4 बार डोर बेल बजाया।
नूपुर आंख मलते हुए आई और बोली, हेमराज नहीं है क्या? भारती बोली, इतनी आवाज के बाद भी वह बाहर नहीं आया। नूपुर ने गेट का ताला खोलने की कोशिश की पर उससे नहीं खुला। भारती को चाबी दे दी। भारती ने हाथ अंदर डालकर ताला खोल दिया। भारती और नूपुर अंदर गए तो राजेश तलवार रोते हुए खड़े थे। नूपुर ने आरुषि की लाश देखी तो जोर जोर से रोने लगी। भारती से कहा, देखो भारती, हेमराज ने आरुषि को मार दिया। उसके बाद भारती पड़ोसी को खबर देती है, राजेश तलवार ने पुलिस को सूचना देने से पहले अपने परिवार के लोगों को बुलाया। 6:50 पर पुलिस आ जाती है। राजेश तलवार और नूपुर ने पुलिस के सामने हत्या के लिए पहला नाम हेमराज का लिया। हेमराज नेपाल का था, इसलिए पुलिस का एक दल नेपाल निकल गया। यूपी पुलिस के फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट कलेक्टर चुन्नीलाल गौतम घटनास्थल पर 10 पहुंचे। फोटो खींची, फिंगरप्रिंट निकाला, लेकिन जब उसका फाइनल प्रिंट निकला तो 24 में से 22 धुंधले थे। 23 फोटो निगेटिव से मेल ही नहीं खाते। हत्याकांड के अगले ही दिन पुलिस जांच के लिए छत पर जाने लगी। सीढ़ी पर ताला बंद था। चाबी मांगी तो राजेश तलवार ने कहा, चाबी मिल नहीं रही है, ताला तोड़ा गया। ऊपर गए तो हेमराज की लाश देखकर सब सन रह गए। अब पुलिस का शक बढ़ता गया। अभी तक पुलिस हेमराज को दोषी मान रही थी, लेकिन उसकी लाश मिलने के बाद आईजी पुलिस गुरुदर्शन सिंह ने केस को ऑनर किलिंग बता दिया और 23 मई 2008 को राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया। ये थी पुलिस की पहली थ्योरी। अब आते हैं दूसरी थ्योरी, यानी सीबीआई ने क्या कहा। उस वक्त राज्य में मायावती की सरकार थी। लोगों ने जांच पर सवाल उठाए तो केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई ने राजेश तलवार का नार्को टेस्ट करवाया, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके बाद जांच टीम ने राजेश की क्लिनिक में काम करने वाले नौकर राजकुमार, विजय मंडल और कंपाउंडर कृष्णा से पूछताछ शुरू की। यहां भी सबूत नहीं मिला। सीबीआई ने कहा कि 15 मई की रात राजेश ड्रिंक लेने के बाद अपने बेडरूम में चले गए। नूपुर और राजेश जिस कमरे में सो रहे थे वहां एसी पहले से खराब था, इसलिए शोर बहुत कर रहा था, लेकिन दोनों को कुछ दिनों से इस शोर में ही सोने की आदत हो चली थी। दूसरे कमरे में 14 साल की आरुषि थी, जो इंटरनेट पर सक्रिय थी। इस कमरे के बाहर एक हॉल था और मुख्य दरवाजे के पास हेमराज का कमरा था। हेमराज के कमरे में उसके कुछ दोस्त भी थे। उस रात हेमराज के कमरे में उसके दोस्त शराब पीते हुए टीवी देख रहे थे। हेमराज के कमरे में क्या हो रहा था, घर के लोगों को कुछ खबर नहीं थी। इतने में शराब खत्म होने पर हेमराज के एक दोस्त ने हेमराज को किसी तरह मना लिया और कहा कि वह मालिक की शराब की बोतल ले आए। हेमराज बोतल लेने सतर्कता के साथ हॉल में आया और बोतल लेने गया तो उसने देखा कि उसके दो दोस्त आरुषि के कमरे में चले गए हैं। जैसे ही आरुषि के कमरे में हेमराज गया तो उसने देखा कि उसके सिर पर एक वार कर उसे बेहोश कर दिया गया है। हेमराज के मना करने पर उसके दोस्त नहीं माने और बात बढ़ जाने पर उनमें से एक ने आरुषि के गले को एक धारदार चीज से रेत दिया। खून बहने पर हेमराज अपना आपा खो बैठा और उसने दोनों को एक्सपोज करने की धमकी दी। दोनों हेमराज को पकड़कर छत पर ले गए और उसे फिर समझाया। जब हेमराज नहीं माना तो उनमें से एक दोस्त ने हेमराज की भी हत्या कर दी और अगले दिन छत से हेमराज की लाश बरामद की गई। इस आधार पर सीबीआई की पहली टीम ने नौकरों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुख्ता सबूत न होने के कारण वो बाहर आ गए। अब सीबीआई की दूसरी टीम आती है। इस टीम ने वही कहानी बताई जो नोएडा पुलिस की कहानी थी और उसी आधार पर राजेश और नूपुर तलवार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। दोनों के ऊपर अपनी ही बेटी आरुषि की हत्या का इल्जाम था। हाई कोर्ट के फैसले से 4 पहले 2013 में सीबीआई की एक अदालत ने दोनों को हत्या का दोषी मानते हुए दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तब दोनों को विश्वास नहीं हुआ था कि बिना सबूतों के आधार पर उन्हें ये सजा कैसे सुनाई जा सकती है। शुरू से ही दोनों निर्दोष होने का दावा करते रहे और सीबीआई ने भी चार्जशीट नहीं बल्कि क्लोजर रिपोर्ट फाइल करते हुए लिखा था कि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। इसके बावजूद मिली सजा राजेश और नूपुर के साथ ही उनके परिवार के गले नहीं उतरी। 16 मई 2008 को आरुषि की हत्या की खबर आई। इसके 9 साल बाद 13 अक्टूबर 2017 को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला सुनाते हुए राजेश और नूपुर को बरी किया, तब दोनों को राहत की सांस महसूस हुई। पिछले 9 साल से दोनों जिस तरह की तकलीफ और तनाव से गुजरे थे, उन्हें उम्मीद जगी कि अब कहीं ये सिलसिला थमेगा। राजेश और नूपुर के साथ ही उनके परिजनों ने कहा कि आखिरकार सच की जीत हुई, लेकिन इस बात को इस तरह कहा जाना चाहिए था कि एक सच की तो जीत हुई, क्योंकि अभी एक सच इतनी धुंध में खोया हुआ है कि उसकी झलक तक दिख नहीं रही है। जांच के कई पहलुओं को लेकर कई तरह के सवाल कायम हैं और कुछ तो इतने पेचीदा हो चुके हैं कि उन्हें राज तक कहा जाने लगा है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद फिलहाल इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई किए जाने की मंजूरी मिल चुकी है। सभी को इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में क्या निष्कर्ष निकलेगा।
इस घटना के प्रमुख तथ्य आपको बताता हूँ। राजेश तलवार ने वारदात और उसकी सच्चाई जाने बिना आवेश में आकर 16 मई 2008 को आरुषि और हेमराज की हत्या को अंजाम दे दिया। अगले दिन 17 मई 2008 को हेमराज की डेथ बॉडी बिल्डिंग की छत से मिली। जांच के चलते 23 मई 2008 को डॉक्टर तलवार की गिरफ्तारी हुई और डॉक्टर तलवार मुख्य आरोपी माने गए। केस की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई ने जांच शुरू कर एफआईआर दर्ज की। सबूतों के ना होने के कारण 12 जुलाई 2008 को घोषित हुए आरोपी को छोड़ दिया गया। तलवार दंपति व शक के आधार पर आरोपियों पर मुकदमा चला, कई जांच और सत्यापन भी हुए। लगभग 2.5 वर्ष की कार्यवाही के बाद सीबीआई की जांच में कुछ न मिलने के कारण सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट को दी। इस दोहरे हत्याकांड में नोएडा पुलिस की लापरवाही, सीबीआई जांच में सबूतों का न मिलना, फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। इस गंभीर अपराध को देखते हुए एक बार पुनः जांच करने की अनुमति ली गई तथा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने 6 जनवरी 2012 को जांच के पुनः आदेश पारित किए। यह मामला गाजियाबाद की नई सीबीआई जांच समिति विशेष अदालत के द्वारा चला। पुनः जांच के दौरान कई ऐसे सबूत व गवाह प्रस्तुत हुए जो कि पूरी तरह से सिद्ध कर रहे थे कि अपराध हुआ है। इसके विपरीत आरोपी के पास ऐसा कोई सबूत न था जिससे वो सिद्ध कर सके कि वह निर्दोष है। सभी तथ्यों मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर तलवार दंपति पर आईपीसी की धारा 302/34 समान उद्देश्य से हत्या करना, इसके साथ ही आईपीसी की सेक्शन 201 साक्ष्य को छिपाना, आईपीसी की सेक्शन 203 फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराना जैसे गंभीर आरोपों की पुष्टि हुई। आरोपियों की पुनः गिरफ्तारी हुई, जांच हुई, गवाहों के बयान हुए, सभी सबूतों और गवाहों को देखते हुए अदालत अपने अंतिम निर्णय तक पहुंची। इतने संगीन अपराध के लिए न्यायालय ने आरुषि के माता पिता को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की मुख्य धारा 302 और अन्य धाराओं के तहत उम्र कैद की सजा और जुर्माना लगाया गया। इस घटना के ऊपर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम तलवार है। फिल्म की कहानी पूरी तरह से इस केस जैसा नहीं बनाया है, इसमें कुछ अंश जोड़े भी गए हैं। फिल्म में आपको केस से जुड़े सारे कांड दिखाए जाएंगे लेकिन अंत अधूरा है। फिल्म किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंची है, ना ही हमारी न्याय प्रणाली पर कोई सवाल उठाए गए हैं। मेघना ने बड़ी समझदारी के साथ इस फिल्म को दर्शकों के सामने रखा है। फिल्म का नाम सुनकर ही लोगों में इसे देखने की उत्सुकता होती है, लेकिन आप किसी परिणाम को जानने के लिए ये फिल्म ना देखें क्योंकि फिल्म में कई साइड है। जैसे जैसे हम देखते हैं वही सही लगने लगता है और अंत में कुछ भी नहीं समझ आता है। फिल्म की तरह सच्चाई में भी पुलिस अधिकारियों सीबीआई वालों ने जांच में इतनी ज्यादा लापरवाही की है। फिल्म में सच्चाई को बहुत अच्छे से दिखाया गया है जो हमारे जहन में एक सवाल खड़ा कर देती है। आप इस फिल्म को सस्पेंस क्राइम का सोच कर देख सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है। तो आज कहानी में इतना ही। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी से जुड़े कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू सो मच।